अगले दिन यूहन्ना अपने दो चेलों के साथ वहीं खड़ा था जब उसने यीशु को जाते हुए देखा। ये परमेश्वर का मेमना है। उन दो चेलों ने उसे ये कहते सुना और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा। तुम किसकी खोज में हो? तू कहाँ रहता है? हे रब्बी। हे रब्बी। रब्बी अर्थात हे गुरु। चलकर देख लो। ये समय था लगभग दोपहर के 4 बजे, तो वे उसके साथ गए। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उनमें से एक शमौन पत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने तुरंत अपने भाई शमौन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गया। इस शब्द का अर्थ है ख्रिस्त। वह शमौन को यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखा। तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा कहलाएगा। ये पत्रस समान है जिसका अर्थ है चट्टान। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पत्रस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनेल से मिला, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से मिल सकती है? चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, ये सचमुच इज़राइली है, इसमें बिल्कुल भी कपट नहीं। तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। मैंने तुझसे कहा कि तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखेगा।